यार प्रोली के ऊपर शूट कर रहा हूँ तो सोचा पिछले सीजन का जर्सी ही क्यों ना पहन के शूट कर लिया जाए। तो मैं फिर से वापस आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो की हम बात करेंगे फ्री फायर प्रो लीग के ग्रैंड फाइनल्स में टॉप 5 प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर के बारे में। यस, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी जल्दी पहले वो कीजिए। हम लोग बहुत पास आ चुके हैं 10,000 सब्सक्राइबर के, बहुत जल्दी जल्दी हम लोगों को सब्सक्राइबर पे पहुंचना है और प्रो लीग शुरू होने से पहले ग्रैंड फाइनल शुरू होने से पहले पहुंचना है। तो फटाफट पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा वक्त ज़ाया करते हुए शुरू करना चाहेंगे आज का वीडियो। देखो हमेशा की तरह ना मैं पीछे से ही शुरुआत करूंगा, तो मेरे लिस्ट के फिफ्थ प्लेयर या फिर पांचवा खिलाड़ी होने वाले हैं रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स के राजा। यस, ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो बहुत लोगों के आंखों में अभी तक आया नहीं है, बट मेरे हिसाब से ही इज वन ऑफ दोस असॉल्टर्स जिनके पास एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। बहुत ही ज्यादा क्विक रिफ्लेक्स एक्शन मारते हैं ये, एंड मुझे तो बहुत पसंद है इनका प्लेइंग स्टाइल। आई होप कि रेवेनेंट के लिए एक तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं ग्रैंड फाइनल्स, क्योंकि मैंने इनके पास के परफॉर्मेंसेस देखे हैं प्रो नेशन में हेड हंटर्स के साथ, एंड आई होप कि ये ग्रैंड फाइनल्स में एक वन ऑफ द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर बनने वाले हैं। मेरे लिए इसके चौथे खिलाड़ी है स्पोर्ट के राधे ठाकुर जी। हाँ, ये है अपनी टीम के IGL एंड द ग्रेनेडियर, अपने कंधों पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे हैं। रिसेंट टाइम में जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं केमेन ईस्पोर्ट्स का बोलबाला बहुत अच्छा रहा है, पर वो फिनिशिंग लाइन ना क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, एंड राधे ठाकुर के कंधों के ऊपर वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केमेन को उनको संडे को वो राह पे चलाना है और वो टूर्नामेंट में जीत हासिल करवाना है। सो डेफिनेटली ही इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इन संडेज ग्रैंड फाइनल। तो मेरे लिस्ट के जो तीसरे खिलाड़ी है ना वो नेपाली है। Any guesses? नहीं, ड्रेगो नहीं है, ये है KM ब्रदरहुड, यानी कि खेल मंडप ईस्पोर्ट्स के एसएन, उनकी टीम के ग्रेनेडियर, एंड आप कह सकते हो कहीं कहीं जगह पे स्नाइपर का रूप भी वो धारण करते हैं। आप अगर सोचोगे कि ये एक ऐसा खिलाड़ी है अपने टीम के लिए जो भी रोल इसको दिया जाए वो हमेशा फिट इन करने की कोशिश करते हैं। ही इज डेफिनेटली वन ऑफ द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इन संडेज ग्रैंड फाइनल्स। इनके कारनामे करतूते हम लोगों ने ऑलरेडी लीग स्टेजेस के दौरान देख लिया है, कोई डाउट नहीं है कि ये प्लेयर बहुत खतरनाक साबित हो सकता है हमारे इंडिया की टीम्स के लिए एंड इवन अपने नेपाली टीम्स के लिए जब इनके नेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं। बट अभी के लिए फ्री फायर प्रो लीग में ही इज डेफिनेटली अ प्लेयर टू वॉच आउट। मेरे लिस्ट के दूसरे खिलाड़ी ना बड़े यंग हैं, बड़े अग्रेसिव हैं, बड़े मतलब समझो यार, इट इज TSM के JYT। Yes, he is also one of my favorites as well. एक टाइम पे जब ये सिक्स सेंस में खेला करते थे, इनका जब पीक चल रहा था ना, मैं इनके फिंगर मूवमेंट्स पे लिटरली मरता था, बहुत ज्यादा क्लोजली मैंने इनको खेलते हुए देखा है, एंड ही इज डेफिनेटली अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इन दिस संडेज ग्रैंड फाइनल्स। देखिए ये प्लेयर अगर चलना शुरू हो जाने, क्योंकि ये फाइनल जो है एक ही दिन का है, सिर्फ 6 मैचेस है, एंड जय के लिए अपनी टीम के लिए स्टेप अप करना बहुत जरूरी है। स्नाइपिंग बोलिए, आगे जाके असॉल्टिंग बोलिए, इन्हें सब करना आता है, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये संडे TSM के JYT के लिए एक बहुत बड़ा फाइनल होने वाला है। मुझे पता है आप लोग ये पहले प्लेयर के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, ये प्लेयर नेपाल से है, लोगों को बारूद सुनाना इन्हें काफी अच्छा लगता है। यस, हिज नेम इज ड्रेगो द वंडर बॉय फ्रॉम नेपाल एंड द प्लेयर फ्रॉम टोटल गेमिंग। ग्रेनेड से काम खराब करना इनको बड़े बड़े अच्छे से आता है, अच्छे अच्छे टीमों का छक्का ऑलरेडी वो छुड़ा चुके हैं लीग सीरीज के टाइम पे, लोकल टूर्नामेंट्स में मचा रहे हैं, हर जगह पे ड्रेगो ही ड्रेगो दिख रहा है, टीजी ही टीजी दिख रहा है। सो यस, डेफिनेटली ही इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स, एंड टीजी के तुरुप का इक्का ड्रेगो इज द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इन संडेज फ्री फायर प्रो लीग ग्रैंड फाइनल्स। गाइस, ए क्या अच्छी हरकतें कर रहा है, जनता को बोनस दे पहले फिर जाना। अच्छी हरकतें नहीं यार, जनता के लिए बोनस के लिए तैयारी कर रहा था यार। गाइस, बोनस तो जरूर से होने वाला है, जिन लोगों को पता नहीं है बोनस होगा अभी मैं बता देता हूँ। यस गाइस, बोनस आने वाला है, मतलब दो और खिलाड़ी, क्योंकि ये प्रो लीग है, क्योंकि ये साल का पहला ऑफिशियल टूर्नामेंट है, मेरे तरफ से लिए दो बोनस आप लोगों के सामने आने वाले। तो यस, पहला बोनस वाला खिलाड़ी मेरे लिस्ट में, इट इज गोइंग टू बी ऑरा गेमिंग के तनेजा ओपी। ये एक एग्जांपल सेटर है, इन्होंने ग्रेनेड के साथ जो कम्युनिटी में शुरुआत किया था उसी ट्रेंड को बहुत लोगों ने फॉलो किया, जो यहाँ पे शुरू हुआ था उसको बहुत लोगों ने यहाँ पे लेके गए। तनेजा ओपी इज ऑल्सो वन ऑफ दोज मास्टर्स जो ग्रेनेड के साथ ना बहुत कमाल का गेम प्ले दिखा सकते हैं। ही इज एन अग्रेसिव प्लेयर एंड ऑल्सो वन ऑफ द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इन दिस संडेज ग्रैंड फाइनल। मेरे लिस्ट के दूसरे बोनस खिलाड़ी होने वाले हैं टोटल गेमिंग के डिलीट। Yes, आप लोग सबको पता है, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं हमेशा माफिया को ज्यादा प्रेफर करता हूँ डिलीट के ऊपर, क्योंकि माफिया ने बहुत ज्यादा प्रूव किया है, एशिया चैंपियनशिप में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं, बट डिलीट ने इस बार के फ्री फायर प्रो लीग बोले या फिर लोकल टूर्नामेंट्स में बहुत ज्यादा स्टेप अप किया है। तो फाइनली आई विल
put up delete before mafia and I think he is definitely one of those finest assaulters jo hex esports ne banaya hai and I think total gaming is cherishing it total gaming ki team mein bahut अच्छे तरीके से वो यू नो ढल चुके हैं बहुत अच्छे जो गेम प्ले दिखा रहे हैं ही इज डेफिनेटली अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इन द संडेज ग्रैंड फाइनल्स गाइस सो दिस इज इट ये थे मेरे टॉप 5 प्लेयर्स एंड टू बोनसेस टू वॉच आउट फॉर इन फ्री फायर प्रो लीग विंटर्स के ग्रैंड फाइनल्स आई होप कि आप लोगों को वीडियो देख के मजा आया हो जरूर से आपके टॉप 5 प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर के नाम जरूर से कमेंट सेक्शन में बता देना और बोनस अगर आपके पास भी है तो वो भी डालना क्योंकि वो मैं जरूर से पढ़ना चाहूंगा क्योंकि बोनस के साथ मेरा एक सेपरेट रिश्ता है जिन लोगों को पता है उन लोगों को ऑलरेडी पता है जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को अभी पता लग चुका है टिल देन वीडियो को जरूर से लाइक करना सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को अभी तक नहीं किया तो फटाफट पहले सब्सक्राइब करो यार क्योंकि संडे से पहले हमें 10,000 की फैमिली पूरी करनी है तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए स्टे सेफ गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में।